अमरोहा जनपद में रसोई गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक के विद्युत पोल से टकराने के बाद आग लग गई। तेज धमाकों के साथ गैस सिलेंडर आग से फट गया। दरअसल मामला सैदनगरी थाना क्षेत्र के राजपुर ब्रह्माबाद मार्ग का है। ब्रह्माबाद की मढ़ैया निवासी ट्रक चालक रसोई गैस का ट्रक चलाता है। रामपुर से गैस सप्लाई करके वो ट्रक लेकर लोनी जाते हुए रास्ते में रविवार देर रात अपने गाँव जा रहा था। राजपुर से ब्रह्माबाद मार्ग पर गौशाला के नजदीक ट्रक विद्युत पोल से टकराकर पलट गया। तारों में बिजली होने की वजह से ट्रक में आग लग गई और रसोई गैस के सिलेंडर तेज आवाज के साथ जलकर फट गया। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार लांघे, SDM विजय शंकर मिश्र, CO अभिषेक कुमार यादव मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सूचना पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जो घटी है ये, जो आग लगी है गाड़ी में सिलेंडर की, कैसे लगी है? ये सिलेंडर में क्या, गाड़ी में आग क्या चल लगी है, वो एक्चुअल में राजपुर से किसी ने इन्हें गलत रास्ता बता दिया, जिस कारण जिस गाड़ी को लेकर के ये ब्रह्माबाद के रास्ते चले आए। और ब्रह्माबाद का रास्ता ऐसा नहीं था जो कि इस गाड़ी को चला रहा था, छोटा रास्ता है, कच्चा रास्ता होने के कारण गाड़ी फिसल के 11,000 की लाइन से टकराई। 11,000 की लाइन से टकराने के बाद में गाड़ी में आग लगी और फिर उसके बाद में काफ़ी मशक्कत के बाद में फिर लगभग चार जगह से फायर ब्रिगेड मंगाया, तब उसके बाद में गाड़ी पे लगभग 1:30-2 बजे के समथिंग आग पर काबू कर पाए। और जिसमें कि बाद में सभी लोग आए, DM साहब भी आए, SDM साहब भी थे और कप्तान साहब भी थे, बाकी पुलिस बल मौजूद था काफ़ी। अच्छा, इस हादसे में किसी की जान की हानि? जान तो किसी की नहीं गई है, खैर ये अच्छी बात है, कोई जान को खतरा नहीं हुआ ना किसी को, क्योंकि ड्राइवर भी था वो भी भाग गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान की हानि नहीं हुई है और इस हादसे में ट्रक और सिलेंडर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक में करीब 300 गैस सिलेंडर भरे थे, जिसमें ट्रक समेत लाखों का नुकसान बताया गया है।